एफएमसीपी मार्केट एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज आपका 2nd of April 2024 नया फाइनेंशियल ईयर का नया दिन मंगलवार का दिन है एंड आई एम योर होस्ट आशीष। बिफोर स्टार्टिंग द करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस, जो करेंसी फ्यूचर रिलेटेड आरबीआई का जनवरी महीने का सर्कुलर है, एज पर दैट सर्कुलर means one can use the currency future only for the hedging purpose, means आपके पास exposures है तभी जाके आप वहाँ पे positions build up कर सकते हो, not for the arbitrageurs, not for the traders. Means it's a means as far as the traders arbitrageurs are concerned, उनके लिए it's not a right decision, but क्या करें, सुप्रीम अथॉरिटीज जो डिसाइड करते हैं वही वी नीड टू फॉलो, बट स्टिल वी आर वेटिंग फॉर सम मोर क्लैरिफिकेशन ताकि 5th अप्रैल ऑनवर्ड्स नॉट हैविंग द एक्सपोजर्स कैन ट्रेड और नॉट। एज ऑफ नाउ वी कैन नॉट ट्रेड इन करेंसी फ्यूचर्स जिन जिन का एक्सपोजर्स इन फॉरेन करेंसी में है नहीं, अदरवाइज फेमा वायोलेशन में अंदर जाना पड़ सकता है। सो अभी आते हैं करेंसी एनालिस्ट। डॉलर इंडेक्स आप देखोगे पिछले हफ्ते में यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा था, कौन सा एरिया पे हो रहा था, ये एरिया पे कंसोलिडेशन हो रहा था एंड दैट वाज माय कंसर्न। क्या कंसर्न था कि अगर किसी को रेजिस्टेंस लेवल से नीचे आना है तो काफी शार्प होता है, जैसे यहाँ पे देखिए नीचे से शार्प हो गया, उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे से शार्प हो गया, यहाँ पे देखिए नीचे से शार्प हो गया, यहाँ पे शार्प रिजेक्शन नहीं हुआ, रेदर प्राइस गॉट कंसोलिडेटिंग अराउंड द रेजिस्टेंस लेवल, दैट इज द कंसर्न। एंड कल के दिन में जो जितना भी आईएसएम डेटा आया, पीएमआई डेटा आया, जिसके कारण डॉलर इंडेक्स अभी ऊपर जाके क्लोज दिया मंडे के दिन में, कहां पे 104.96, अभी कहां पे 105.02। दिस इज पुटिंग ऑल द कैलकुलेशंस डिफरेंटली, ये लग रहा है एज ऑफ नाउ कि जो हम लोग इवन 3 रेट कट का सोच रहे हैं शायद वो भी ना हो, तो दैट बीइंग द केस हमें प्राइस एक्शंस, मार्केट परसेप्शंस एंड क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसके ऊपर कुछ कॉम्बिनेशन हमें बनाना है। अभी उस कॉम्बिनेशन के कारण जनरली क्या होता है, डॉलर इंडेक्स जब सॉफ्ट होता है तो क्या होता है, फेड गवर्नर कोई ना कोई आके कुछ ना कुछ कमेंट्स दे देते हैं। इतने सारे गवर्नर्स में एक आधा गवर्नर आके कुछ ना कुछ कमेंट दे देते हैं जिसके कारण डॉलर इंडेक्स ऊपर चले जाते हैं। एंड जब डॉलर इंडेक्स ऊपर आते हैं तब जाके कोई ना कोई फेड गवर्नर आके आपका कुछ कमेंट दे देते हैं जिसके कारण फिर ये सेलिंग मीन्स वीकनेस दिखा जाता है डॉलर इंडेक्स में। दैट बीइंग द केस अभी डॉलर इंडेक्स काफी ऊपर आया हुआ है, क्या ये फर्दर ऊपर जाएगा या आपका मींस डॉलर इंडेक्स ऊपर जाएगा या कोई फेड गवर्नर का कुछ स्टेटमेंट आएगा जो आपका डॉविश कमेंट्स करेगा एंड इंडेक्स थोड़ा सा ऐसा कुछ होता है क्या, हमें केयरफुली मॉनिटर करना है। दिस इज नॉन टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ द टेक्निकल, यानी ये जो कॉमेंट का या स्टेटमेंट का जो एनालिसिस है चार्ट में नहीं आता, पहले आपका रेजिस्टेंस था, फिर सपोर्ट बना, फिर तोड़ के रेजिस्टेंस बना। सो यहाँ पे आपका हमें देखना है कि यहाँ पे इस लेवल पे 105 के आसपास क्या डॉलर इंडेक्स रिजेक्ट होते हैं, रेजिस्ट करते हैं एंड नीचे की तरफ आते हैं, दैट इज द थिंग वी नीड टू वॉच। नाउ जीबीपी डॉलर कल के दिन में भयंकर पिर गया, मींस वीक हो गया है एंड इट ट्रेडेड लो ऑफ 1.2540 एंड क्लोज्ड एट 1.2551, करेंटली एट 1.2547। What next? के लिए हमें देखना है क्या ये रेजिस्टेंस है, ये आप अगर देखोगे तो आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में जीबीपी डॉलर को देखेंगे, ऊपर की तरफ ये रेंज है, नीचे की तरफ ये रेंज है,
पहला बात है, क्या ये रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट करके वापस बाउंस करते हैं, दूसरा बात है टाइम कंसोलिडेट करते हैं, तीसरा बात है ब्रेक डाउन करते हैं। अभी जो अगर पुल बैक करते हैं तो बढ़िया है, टाइम पास करते हैं तो समथिंग एल्स, अगर ब्रेक डाउन करते हैं तो इन सच ए केस देयर आर टू प्रोबेबल केसेस, क्या ये ब्रेक डाउन फॉल्स ब्रेक डाउन। यहाँ पे अगर ब्रेक डाउन थोड़ा सा दिखा के सबको, मैं तो चला हरिद्वार लेकिन चला गया बंदा और भी, मीन्स क्या ये ब्रेक डाउन परमानेंट मीन्स फॉल्स ब्रेक डाउन है या रियल ब्रेक डाउन है, ये हमें इस लेवल पे देखना पड़ेगा एज फार एज द जीबीपी डॉलर इज कंसर्न। एंड सिमिलरली जीबीपी आईएनआर, यहाँ पे आपका देखो कि एक बढ़िया सा सपोर्ट जोन पे आके रुका हुआ है, अभी हमें यही देखना है इस जोन को कैसे डील करते हैं, क्या ये शार्प रिजेक्ट करके बाउंस बैक करते हैं, क्या टाइम पास करते हैं कंसोलिडेट करके या ब्रेक डाउन करते हैं। अगर ये ब्रेक डाउन करते हैं, ब्रेक डाउन में टू अपॉर्चुनिटी, एक रियल ब्रेक डाउन एक फॉल्स ब्रेक डाउन, कौन सा होते हैं ये हमें केयरफुली मॉनिटर करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज योर यूरो डॉलर सिमिलर एनालिसिस, क्या स्पेसिफिक लेवल पे रुके हुए हैं, आप देखो I will not say, I will just draw the support resistance levels and you decide. It's a typical support zone. Same question. क्या ये यहाँ पे support लेके bounce back करता है? क्या ये यहाँ पे consolidate करके time pass करते हैं? या क्या ये breakdown करते हैं? Breakdown में again two rules. One is real breakdown. Another one is false breakdown. मोमो बना के फिर दोबारा ऊपर चला जाएगा, कौन सा होगा इसके लिए हमें प्राइस एक्शंस को मॉनिटर करना है। नेक्स्ट इज यूरो आईएनआर, यूरो आईएनआर पे आपका इसका जो रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल है ये थोड़ा सा वाइडर है, बट दिस गिव्स ए एरिया जहां पे प्राइस क्या कर सकते हैं, क्या इस एरिया पे सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, टाइम कंसोलिडेट करेगा या ब्रेक डाउन करेगा। एंड Repeating, I am repeating the same thing. Breakdown may be two things. क्या ये real breakdown होगा या false breakdown? ये हमें देखना पड़ेगा. Next is coming our dollar yen. Dollar yen में ये जो 152 is a psychological and a critical resistance. यहाँ पर भी अगर resistance लेना होता तो sharp fall. आप देखो जब जब इस level पे आया है, जब 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 भी आया है sharp, sharp. यहाँ पे अभी क्या कर रहा है, इज इट अ शार्प रेजिस्टेंस, नो इट्स ए टाइम कंसोलिडेशन जोन, मींस मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर डिवाइडेड, क्या ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, ब्रेक आउट हो जाएगा ऊपर की तरफ या रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा। नीचे आने के लिए ओनली वन कंपोनेंट, दैट इज बीओजे एंड जापान का मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, क्या कुछ इनिशिएटिव लेते हैं, क्या इंटरवीन करते हैं या दे अलाउ येन टू डेप्रिशिएट बियॉन्ड 152 व्हिच इज साइकोलॉजिकली 32 इयर्स हाई, कौन सा होगा ये प्राइस कंसोलिडेशन इज टेलिंग सम डिफरेंट स्टोरी, वी नीड टू, इसका मतलब ये नहीं कल आज ही जाके इसको लॉन्ग कर देंगे, नो हमें प्राइस कंफर्मेशन चाहिए, तो हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। दैट बीइंग द केस, इसका उल्टा ये एनआईएनआर, ऑल्दो ये एनआईएनआर पे हम लॉन्ग के लिए सोच रहे थे, क्यों सोच रहे थे, बिकॉज ऑफ द बीओजे एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जापान का, तो क्या ये इंटरवीन करते हैं, इन सच केस एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे एक भयंकर कटिंग हो सकते हैं। अभी आते डॉलर कैंडी, डॉलर कैंडी रेंज बाउंड में है ऑन द हायर साइड 1.36, ऑन द लोअर साइड 1.3350, इस जोन के अंदर में कंसोलिडेट कर रहे थे तो करने देते हैं। एंड ऑसी डॉलर एक बॉक्स बनाया हुआ है, लेट द प्राइस टू कम आउट ऑफ दिस बॉक्स, उसके बाद हम देखेंगे। सीएनएच में डेप्रिशिएट किया है 7.2625, सो ये थोड़ा किसके कारण, रूपी के लिए, तो हमें थोड़ा सा केयरफुल होना है एज फार एज डॉलर रूपी इज कंसर्न। अभी आता है ब्रेंट फ्यूचर, ब्रेंट फ्यूचर में आप देखोगे एक
अच्छा खासा बुलिशनेस, अगर हम वीकली चार्ट में देखेंगे भयंकर बुलिशनेस है। सो मे बी बाय डिप्स मे बी कंसीडर्ड हियर फॉर बिल्डिंग सम गुड ट्रेडिंग पोजीशंस। बाय डिप्स का मतलब, इसका मतलब नहीं है कि हम सिर्फ बाई करेंगे, स्टॉप भी रहेगा, बिकॉज मार्केट इज मार्केट, मार्केट कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग इट वांट्स। नेक्स्ट इज कमिंग यूएस 10 ईयर ट्रेजरी। यूएस 10 ईयर ट्रेजरी में कल के दिन में बाउंस बैक किया टू 4.3050। अगेन ये रेजिस्टेंस लेवल पे आके अटका हुआ है 4.35। सो यहाँ पे फिर हमें देखना है रेजिस्टेंस लेते हैं या टाइम पास करते हैं। लेकिन टाइम पास करते हैं इस रेजिस्टेंस जोन पे, दैट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। यूएस 2 ईयर ट्रेजरी सिमिलरली बाउंस बैक किया, ट्रेडेड हाई ऑफ 4.724 कल के दिन में, अभी कहाँ पे 4.68 में, ये रेजिस्टेंस जोन के नजदीक। देखना है क्या इस रेजिस्टेंस जोन के आसपास शार्प रिजेक्शंस आते हैं या कंसोलिडेट कंसोलिडेट करते हैं तो कॉज ऑफ कंसर्न। नेक्स्ट इज आवर डॉलर रूपी। डॉलर रूपी करेंटली ट्रेडिंग एट आपका 83.40। हाँ 38.39, 83.3839। दैट बीइंग द केस यहाँ पे सीएनएच प्रेशर पुट कर रहे हैं, डॉलर इंडेक्स प्रेशर पुट कर रहे हैं। अभी हमें देखना है इनविजिबल हैंड्स का कमाल, क्या ये कमाल करते हैं या बेहाल करते हैं, सब मालामाल करते हैं या नजेहाल करते हैं। सो ये एरिया पे हमें डॉलर रुपी पे थोड़ा सा कैफ होना है। सो करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आप सभी को अच्छा लगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए अमंग योर ऑल फ्रेंड सर्कल दोज हु आर रिलेटेड टू एफएक्स मार्केट। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल टू जस्ट आई फील इट इज वेरी वेरी थैंक यू एंड